ओमिक्रॉन संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आमजनों को संबोधित करते हुए निर्देश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से सुरक्षित रहने की भी अपील की। आपको बता दें, अपील करते हुए कहा कि संक्रमण तेजी से ना फैले, इसके लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ में ना जाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वे जल्द ही वैक्सीन लगवाएं। तेजी से संक्रमण ना फैले, इसके लिए हर आवश्यक उपाय करें। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर ना करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका जरूर लगवाएं। पहला लगा लिया हो तो दूसरे में देर ना करें। अगर समय की अवधि पूरी हो गई हो तो तुरंत दूसरा टीका भी लगवाएं। इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे, ताकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हाँ, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए, ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना, सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें, ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं। ये आप सबके सहयोग से ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।